अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओ माय प्लेट बाय गजाला। तो आज ओ माय प्लेट में बन रहा है भेजा फ्राई। बहुत ही आसान, मज़ेदार सी और चटपटी सी ये रेसिपी है और बहुत कम वक्त में तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। इसके लिए हमें चाहिए होगा गाय का, बकरे का या भेड़ का मगज़। ये मगज़ फ्राई बनाने के लिए जो अज्जा हमें दरकार है वो आप नोट कर लीजिए। मैं यहाँ गाय का मगज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यह गाय का मगज़ इस्तेमाल किया है। एक गाय का मगज़ मैं उसको बॉईल कर लूँगी, उबाल लूँगी। उसके अंदर मैंने एक खाने के चम्मच हल्दी इस्तेमाल की है। आप उसके अंदर डाल के उबालें। उबालने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए आप उसको उबालें। उबालने से ये होगा उसकी जो झिल्ली होती है, जो स्किन होती है, वो आराम से रिमूव हो जाती है। उसकी जो रगें होती हैं, नसें होती हैं, वो भी साफ़ हो जाती हैं। मैं साफ़ करने के लिए हमेशा इसको उबालती हूँ और इसकी हीक और बेसैन भी ख़त्म हो जाती है। 10 मिनट उबालने के बाद हमने इसकी झिल्ली को ऊपर से उतार दिया, उसकी रगें भी साफ़ कर ली है। देखिए साफ़ हो गया है, देखिए उसकी झिल्ली साफ़ हो गई है। 3 अदद प्याज मैं यहाँ पर ले रही हूँ। एक प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगी और 2 जो प्याज हैं उनका मैं पेस्ट बना लूँगी। लहसुन की जगह मैं यहाँ 10 से 15 अदद ले रही हूँ। अदरक तकरीबन 2 इंच का पीस मैं यहाँ पे लूँगी। 2 अदद प्याज, मैं तीनों को मिलाकर पेस्ट बना लूँगी। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच खाने का, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और 2 अदद प्याज का पेस्ट अलग अलग भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी डाल सकते हैं। सबसे पहले कटी हुई प्याज को तेल गर्म करके मैं फ्राई कर लूँगी। आधी प्याली तेल गरम करने के बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज को सुनहरा होने तक हम इसे भून लेंगे। प्याज भूनने के बाद हम प्याज को निकाल लेंगे। बाकी मसाले मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पर लाल मिर्च लूँगी पिसी हुई हसबे जायका। हल्दी मैं यहाँ पे लूँगी 1 चाय का चम्मच। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर मैं यहाँ पर लूँगी। मेथी दाना हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। 4 से 5 अदद काली मिर्च, 4 अदद लौंग, 2 तेज़पात के पत्ते और 2 इलायची, छोटी हरी वाली, 2 इलायची बड़ी वाली। सबसे पहले हम तेल गर्म, प्याज निकालने के बाद, प्याज भूनने के बाद, प्याज निकालने के बाद तेल के अंदर हम मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना जब ब्राउन होने लगेगा हम उसके अंदर प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक हम इसमें डाल देंगे। आधी प्याली दही मैं इसके अंदर डालूँगी। आधी प्याली दही डालने के बाद मज़ीद हम इसको चम्मच चलाएँगे, इसको भूनेंगे और इसको हम ढक कर पकने देंगे। जब हमारा मसाला तेल छोड़ने लगेगा हम इसके अंदर वो उबला हुआ मगज़ के अंदर डाल देंगे। मगज़ शामिल करने के बाद हम मज़ीद इसको भूनेंगे, फिर हम इसको ढककर पकाएंगे। आखिर में हम इसके अंदर तली हुई प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, बारीक कतरी हुई अदरक इसमें शामिल कर देंगे और पिसा हुआ गर्म मसाला आखिर में ज़रूर डालेंगे। पिसे हुए गर्म मसाले की खुशबू से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पर एक टिप है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अगर इसको बनाना चाहते हैं कि मसाले वाला बने, थोड़ा सा ग्रेवी वाला बने, तो सबसे अच्छा ये कढ़ाई में बनता है। उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि बिल्कुल फ्राई बने, खुश्क बने, तो ये तवे में बनेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये शोरबे वाला बने, तो ये पतीले में बनेगा। मैं यहाँ पर कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ। कढ़ाई में ये कि थोड़ा ग्रेवी वाला बन जाएगा। हमारे घर में सब ग्रेवी वाला पसंद करते हैं, तो हमने ग्रेवी वाला बनाया है। आप चाहते हैं कि बिल्कुल फ्राई हो, भुना हो, तवे पे जैसे कटाकट स्टाइल होता है वो आप बना सकते हैं उसको। आप चाहें तो उसको शोबे वाला बना सकते हैं पतीली के अंदर। 3-4 तरीके हैं, आप ट्राई कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज।